नमस्कार, स्वागत है आपका केकेटे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता यादव। शुरुआत करेंगे खबर से। खबर बस्ती से है, जहां तत्कालीन सीओ, एसओ और एसआई ने किराया न देने पर घर से निकाले खुर्शीद ताप के एक सिपाही के साथ मिलकर एक निर्दोष को फंसाने की साजिश रची। वहीं उसे पुलिस के इतिहास में काला अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। बता दें कि इन लोगों की साजिश का परिणाम यह आ रहा है कि जो व्यक्ति कई करोड़ों में खेलता था, उसे पुलिस की करतूतों ने भिखारी बना दिया है। अब्दुल्ला अय्यूब को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 20 साल लग गए। इस बीच उसका करोड़ों का पूरा कारोबार तबाह हो गया और तनाव में मां की मृत्यु हो गई। साथ ही महीनों अय्यूब को जेल काटना पड़ा। समाज में मान सम्मान इज्जत सब चला गया। ये दरअसल हेरोइन कह करके इनके पास से सामान बरामद हुआ हड़िया चौराहे थाना पुरानी बस्ती में। और जब वो एक मरते बस्ती के ये 2003 बरामद हुआ। और जब ये यहाँ के बस्ती की विज्ञान प्रयोगशाला ने जांचा तो कहा ये हेरोइन है। उसके बाद लखनऊ गया जांच के लिए, उसको कोर्ट ने भेजा, तब आ गया कि निगेटिव, ये हीरोइन नहीं। पुनः इसको भेजा गया दिल्ली, और दिल्ली में जब यह गया तो वहाँ पे जो माल मुकदमा गया, नमूना मुकदमा गया, वो टेम्पर्ड हो गया और वहाँ पे वो ब्राउन कलर का भेज दिया गया। तो वहाँ के जो अधिकारी ने उसको रिसीव किया और लिखा कि पाउडर जो मैंने रिसीव किया है वो ब्राउन कलर का है और ये जो आया है ये हेरोइन है। तो जब ये रिजल्ट यहाँ आया बस्ती में तो कोर्ट ने उस माल को मंगवाया जो यहाँ रखा हुआ था माल खाने में, उसको खोला गया, उस सिपाही का बयान लिखा गया। तो उसमें ये लिखा गया कि यह जो माल है यह सफेद रंग का। तो कोर्ट ने इस पर यह दो एक्सपर्ट विटनेस बुलाए लखनऊ से, जो इसके एक्सपर्ट थे। उन लोगों ने कहा कि हेरोइन का जो कलर है वो कभी फेड नहीं करता है जलवायु परिवर्तन से या समय के परिवर्तन से, ये चेंज नहीं हुई, हमेशा व्हाइट ही रहेगा। और वहां पर गया वो ब्राउन कलर का। तो कोर्ट ने यह कंक्लूजन निकाला कि जो दोबारा तिबारा इन्होंने भेजा नमूना माल, उसमें इन लोगों ने बंगली किया और उसको इन लोगों ने बदल दिया। और डॉक्टर ने कहा कि ये जो तिबारा वाला माल गया ये मार्केट में ओपन मार्केट में मिलती है, इसको हर व्यक्ति खरीद सकता है। तो उसको इन लोगों ने खरीदा और खरीद करके इसको पुड़िया बना करके पुराने केस से कनेक्ट करके भेजा और उसका लाभ जो है मुलजिम को, आरोपी को। इस पर कोई राय नहीं आई क्या? जो तिवारा गया तो वो हीरोइन थी। कोर्ट ने बरी किया, जो बेगुनाही के सबूत पाए उन्होंने पूरे विस्तार से प्रकरण जो वकील साहब आपको अवगत कराए। हमारे पास घटना क्या था, एक रंजीत वर्ष जो है हमको घर से उठाया गया लुंगी बंडी में। कौन था, क्या साजिश थी? हाँ, पुलिस वाले का नाम था। क्या नाम था, कैसे? अब उसको किराए पे मकान हमने दिया था, किराया मांग रहे थे, मकान भी नहीं खाली कर रहा था, उसने कहा तुमको हम निकाल देंगे। खुर्शीद नाम का आदमी था, सिपाही था। जी हाँ, बस उसको जो है उसने वो उसके बाद वो अपना ताज में लगा था, कहीं मुलजिम कोई पकड़ा गया उसके साथ हमको समेट दिया, एनडीबीएस साइड में लगाया था। हीरोइन दिखाया गया था 1 पाव। उस समय जो हमको अंदर थे पता नहीं बाहर क्या उसकी वैल्यूएशन आई, अब तो वही तो बता पाएंगे। 1 करोड़ तो पूरे का बताया गया होगा, 2 महीना 6 दिन। जी हाँ, जी साल चला मुसलसल, जिसमें तमाम सबूत है जो गवर्नमेंट ने जांच पड़ताल की जो प्रतियां थी वो सब प्रतियों में प्रति साबित आया गया, उसमें हीरोइन की मात्रा पाई नहीं है। नहीं, कोर्ट ने उसको तलब किया था, कोर्ट ने खोल करके देखा कि इससे कलर नहीं बदले थे, वैज्ञानिक भी आए उन्होंने कहा कि नहीं, ये जलवायु और मौसम परिवर्तन से कलर में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो बिल्कुल साधारण, बहुत तभी तो उसमें कोई मात्रा नहीं निकली। और बीच
वो तो साजिश की गई फिर ना, वो साजिश ये की गई कि जो लोग पकड़े थे उन लोगों की नौकरी खतरे में आ गई, मजबूरन अपना एक बचाव के लिए उन्होंने ऐसा किया। अब यही कहेंगे कि ये गुनाही का हमें जो फल मिला है और हम भगवान के सामने उसकी प्रतिज्ञा। अरे हमने बहुत कुछ झेला भैया, उस मामले में आप मान ले जाइए बड़े गुस्से हुई। नहीं कुछ नहीं, उस बीच में हमारी माता जी गुजर गई, हम मट्टी नहीं दे पाए। आप जेल में थे और क्या क्या था? व्यापार तो हमारा पूरी तरह टूट गया। हम सीमेंट सरिया के होलसेलर जो भाई थे संत कबीर नगर से, नेशनल आयरन स्टोर के नाम से हमारी दुकान चलती थी। जेल में जाने के बाद जो पैसा मार्जिन बचा वो भी नहीं वापस आ पाया। दिनांक मंगलपुर थाना पुलिस को सफलता मिली है। दहेज हत्या के मामले में पुलिस ने परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, साथ ही 3 आरोपी पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की। बता दें कि पुलिस ने पिता पुत्र मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना मंगलपुर क्षेत्र के कसोलर गांव का मामला बताया जा रहा है। दिनांक 22 मई 2023 को राम कुमार पुत्र प्रभु दयाल निवासी नौबस्ता कानपुर नगर ने थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात में एक प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी बेटी पिंकी उम्र 23 वर्ष की साथी विशाल पुत्र सत्यनारायण निवासी कसोलर थाना मंगलपुर कानपुर देहात के साथ मई 2022 में हुई थी, लेकिन साथी के उपरांत ही पति सास ससुर और परिवारिक जन दहेज के लिए उसको शारीरिक और मानसिक रूप से उत्पीड़ित कर रहे थे, जिसे तंग आकर दिनांक 22/5/2023 को उनकी पुत्री ने आत्महत्या कर ली। उक्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई कराते हुए सास ससुर और पति को गिरफ्तार कर जिला न्यायालय माती प्रस्तुत किया जा रहा है। दिनांक खबर सूरत से, जहां आजादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत सुजलाम सुफलाम जल योजना के तहत अमृत सरोवर बनाने के नाम पर प्रियोसा चैरिटेबल ट्रस्ट और तलाटी की मिली भगत से लाखों का घोटाला किया गया है, जिसका ग्राम पंचायत के लोग और सरपंच के द्वारा कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। इनकी माने तो गांव में अधिकारियों की मिली भगत से गांव विकास से वंचित है, साथ ही गुजरात सरकार के सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं, जहां आज भी गांव के लोग सड़क और पानी जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज़ और मैं सुरेश कुमार। आज हम मांडवी तालुका के कुटेवा गांव पर आए हुए हैं, जहां पर सुजलाम सुफलाम योजना के तहत एक तालाब का निर्माण किया जाना था पिछले साल, लेकिन अभी तक उस तालाब का जो अमृत सरोवर नाम दिया गया है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है। इसका विरोध एक गांव के एक नागरिक हैं, उन्होंने उठाया है और हम आपको इसे दिखाएंगे कि जो अमृत सरोवर बनना था, लोगों के हितों के लिए जो पानी का उपयोग होना था वह अभी तक हुआ नहीं है। 1 साल होने को आया है लेकिन यहाँ पर अमृत सरोवर का सिर्फ नाम है, पानी का एक बूंद भी नहीं है और यहाँ पर एक विरोध हो रहा है ग्रामजनों के द्वारा कि यहाँ पर 1 साल पहले जो काम होना था, जो गांव के उपयोग में आना था, पशु के काम में आना था, खेती के लिए जो काम पानी आना था, वो अभी तक उसका निर्माण नहीं हो पाया है। इसके विरोध में आज ग्राम के जो नागरिक हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिर यह क्या है, पूरा मुद्दा क्या है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी आपका नाम? राजू भाई। क्या पूरा मामला है? ये मामला अमृत सरोवर के नाम पे पूरा मिट्टी उठाने का भ्रष्टाचार हुआ है। तालाब जैसा कुछ बना नहीं है, खाली मिट्टी उठा के खड्डा किया हुआ है और जो ब्यूटिफिकेशन हिसाब से और जो टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से तालाब होना था वहाँ कुछ भी हुआ नहीं है। सरकार को भी बहुत चूना लगाया, मिट्टी भी पूरा उठाया पर 1 रुपया रॉयल्टी का गवर्नमेंट को दिया नहीं है, तो लोगों को भी सुविधा मिली नहीं है और गवर्नमेंट को भी पूरा नुकसान हुआ है। और जो इंजीनियर थे, अधिकारी थे, उन्होंने कुछ ध्यान दिया हुआ नहीं है और जो एजेंसी थी जिसको काम दिया था उन्होंने पूरा काम किया नहीं, ऐसे छोड़ के वो भी चला गया है। उनके ऊपर जो एक्शन लेना था वो भी अधिकारी ने कुछ लिया हुआ नहीं है। या कितने समय पहले ये काम जो दिया गया था और कितना समय अभी तक हो गया इसको जो काम नहीं पूरा हुआ? नया वर्ष अगले साल 2022 में मई के टाइम में ये काम चालू हुआ था पर ये मई अभी खत्म हो रहा है, ये साल 23 का
अभी तक कुछ काम हुआ नहीं है, पानी का तो कुछ पता ही नहीं है, और तालाब जो हिसाब से बनाना था कुछ किया हुआ नहीं है। यहाँ पूरा दृश्य में दिख रहा है कि पूरा खड्डा और पत्थर ही पड़े हुए है, और जो पशु जानवर भी नीचे उतर नहीं सकते, जैसे स्लोप देना था वो भी कुछ दिया हुआ नहीं है, ताला भी नहीं है, देश कितना खड्डा किया हुआ है खाली। जैसा कि इन्होंने बताया कि तालाब में पानी नहीं है और इस प्रकार से इसमें लापरवाही देखने को मिल रही है अधिकारियों की, और भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं समर्थ बहुत बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा इनका कहना है। सूरत से सुरेश कुमार यादव की रिपोर्ट। जहां तहसील सदर के रजिस्ट्रार कार्यालय के बाथरूम में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। बता दें कि रजिस्ट्रार प्रवीर सचान के अनुसार जिस कक्ष में आग लगी है वहां पर बिजली का कनेक्शन नहीं है। मामले की जानकारी मिलने पर प्रवीर सचान समेत अन्य विभागीय कर्मी भी मौके पर पहुंचे। वहीं साथ ही सूचना पर पहुंची दमकल खड़ी ने गड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं थाना बहुदरवाजा क्षेत्र में स्थित सदर तहसील परिसर का मामला बताया जा रहा है। केवल सूचना मिली थी, उसके बाद आगे देखा तो आग जल गई। दमकल कर्मियों को बुलाया, फायर ब्रिगेड आई, उन्होंने फायर ब्रिगेड कितनी देर में आई थी? 15 मिनट। क्या गाड़ी थी? एक। तो सर उसमें कि मतलब ये आग लगी कैसे? आग लगने का तो कोई कारण नहीं जी। उसमें साहब वो क्या नाम लाइट थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं थी। तो मतलब ये आग मतलब कैसे लगी है आग? कुछ कहा नहीं था, मतलब लाइट पहले कुछ बाथरूम में है जी, और नीचे से ही लाइट जो है सामने तक कर। खबर कानपुर से, जहां बैंक के रिकवरी एजेंटों ने पहले प्रेग्नेंट महिला से बीच सड़क पर अभद्रता करते हुए स्कूटी छीन ली। साथ ही महिला के पक्ष से विरोध करने पहुंचे युवक से रिकवरी एजेंटों और ग्राहक के बीच मारपीट हुई। बता दें कि किदवई नगर पुलिस ने रिकवरी एजेंट की तहरीर पर पीड़िता के भाई खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया। वहीं पूरा मामला किदवई नगर थाना क्षेत्र के साकेत नगर का बताया जा रहा है। मार देखो, मार रहे, मार साले, मारो, मार। खबर कानपुर से, जहां रतनपुर चौकी में पिटाई से आहत युवक ने हॉस्पिटल से निकलकर पनकी पड़ाव क्रॉसिंग में ट्रेन से कटने का प्रयास किया। वहीं क्रॉसिंग पर मौजूद जनता ने युवक को पकड़कर बैठाया। वहीं साथ ही युवक ने जनता से अपना दर्द बयां किया। बता दें कि पीड़ित युवक ने रतनपुर चौकी पुलिस प्रभारी पर कार्रवाई न होने पर जान देने की बात की। खबर कानपुर से, जहां दबंग विकास राजपूत ने लूट के आरोपी को पुलिस के सामने भगा दिया और गुंडों के आगे पुलिस बेबस बनी रही। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा डिलीवरी बॉय से लूट के आरोपी को पुलिस घर से पकड़ने गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो अपराधी ना, नहीं वो अपराधी उसको मरवा रहे ना आप लोग? कौन मरवा रहा है? क्यों मरवा? मेरे सामने मार खा रहा है वो? नहीं, मैं सामने मार खा रहा है वो? मारा नहीं गया। नहीं नहीं, मेरे सामने मारा गया, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मरवाइए आप, मरवाइए उसको, वो भी अपराधी ना, आपके मुकदमा मानसित होगा। नहीं नहीं, वो आप मुकदमा मानसित, आपके नहीं, आप मुकदमा मानसित ना, वो उसको कैसे मारा, उसको उसे हार कैसे लग गया? जो अपराधी है उसको मैं जाऊंगा, ठीक। खबर गुना से, जहां केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्थानीय सर्किट हाउस से गुना में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार, गुना विधायक गोपीलाल जाटव, जिला पंचायत अध्यक्ष अरविंद धाकड़, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं साथ ही पत्रकारों से चर्चा के दौरान
केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कांग्रेस और कमलनाथ सरकार की नाकामियों को गिनाया। जी को भी कहा था और मुख्यमंत्री जी को भी कहा था। मेरे विभाग का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था जहां विदेश से सब लोग आमंत्रित थे, अब उसी के बीच में मैं गायब हो जाऊं वो भी उचित नहीं। आप पहले से प्रोग्राम रहा होगा, आपने सूचित भी किया 4-5 मिनट पहले। जबलपुर में गोविंद सिंह जी बोले हैं, अब सितंबर में भी एशिया पैक के सभी देशों का दूसरा कॉन्फ्रेंस है नागर विमानन का, तो सारे एशिया पैक के सभी देशों के मंत्री आएंगे। जबलपुर में गोविंद सिंह कल आप भूल गए मेरा संदर्भ क्या था। मेरा संदर्भ था कि जब हम लोग ये वैश्य समाज के सम्मेलन, मैंने जैन समाज को सदैव कई मायनों में मैं प्रशंसक हूँ, मैं अपने आप को जैन समाज का एक परिवार का सदस्य मानता हूँ। और जैन समाज की क्या सोच है दोनों का उल्लेख मैंने किया। पहली सोच जियो और जीने दो, और दूसरी सोच क्षमावान कि जाने या अनजाने में अगर कोई गलती हुई हो माफ करो। माफी करने से, मांगने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता। कुछ लोग हैं इस देश में जो माफी मांगने से खतराते हैं। दिग्विजय सिंह जी का दावा है कि इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अरे भाई उनको अपना उनको उनका दावा उनको उनके दावे के लिए उनको शुभकामनाएं है भाई, हमको अपना काम करना है। देखो मैं इसमें नहीं चलने वाला कि अगर लिंडा जी कुछ कह रहे हैं तो मैं उसका कटाक्ष करूं। वो स्वतंत्र हैं सोचने के लिए कि उनके मन में क्या है, हमको अपना काम करना है। जी को भी कहा था। खर मथुरा से जहां महावन तहसील की ग्राम पंचायत जुगसना के ग्रामीणों ने अपनी पंचायत के लिए पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 1988 में गांव के प्रधान ब्रजमोहन ने ग्रामीणों को प्लाटों का आवंटन किया था। अधिकतर ग्रामीणों ने पक्के मकान का निर्माण भी करा लिया था। कुछ ग्रामीण मजदूरी का निर्माण करा रहे हैं, लेकिन महावन तहसील के लेखपाल डालचंद्र ग्रामीणों से अवैध वसूली कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्ति था। कहाँ से आई हैं आप, क्या समस्या है आपकी तहसील में आई है? क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि जगह खाली करो, जाते बना भी नहीं दे रहे हमारी, तो बहुत बड़ी भेज रही है। क्या नाम है बाबा आपका, क्या नाम है? बच्चू सिंह। कहाँ से आए हैं? मंगला भवन से। ये कहाँ पड़ता है? जुगसना का। क्या समस्या है आपकी तहसील में आए हैं? ये कि जो जी प्रधान जी हमें सहवे सहवे लोग कवर करना चाहते हैं और मेरी बात भी है, रहे जगह ना गाँव पर कैसे गाँव पर कोई टीम डालो कोई कुछ डालो ऐसे रह रहे हैं। कितने दिन से रह रहे हैं? 35 साल हो गए जी। तो अभी क्या समस्या आ रही है? अब जी आ रही है कि मिल जाए हमें तुम्हारी बात तो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, परेशान कौन कर रहा है आपको? लेखपाल। क्या नाम है आपका? आला सिंह। आला सिंह कहाँ से आए हैं आप? नगरा मोहन से, बहुत जाए। तो क्या क्या समस्या है आप किस किस अधिकारी के पास आए? तहसीलदार साहब मदल किस लिए आए, क्या क्या परेशानी है? समस्या ये ऐसा कि हमारे पास जो जमीन नहीं है रहने के लिए, बहुत दिन से उस जमीन में रह रहे हैं। सन 88 थे जी, 1988 में जो चकबंदी में जगह छूटी हमारे पास जमीन नहीं थी। उन लोगों ने, प्रधान ने, गांव के बुजुर्गों ने और
उस जगह में मतलब हम बैठा दिए जहाँ में रहो, उसमें मकान बना दिए हमने, मकान बना के बच्चा समय तो मतलब परिवार समय तो रह रहे हैं वहाँ, उससे ऐसे पहले झोंपड़ी बनाई, फिर मतलब कच्चे मकान बनाए, कुछ पक्के मकान बनाए हैं, कुछ खाली जगह है दे गई है कुछ लोगों ने दी, आपसे कोई झगड़ा नहीं है, थोड़ी थोड़ी उन लोगों ने बांट दी उस जगह को, हम जो खाली हैं उन लोगों को बनाते हैं, पटवारी वगैरह ये कुछ जाते हैं तो ये मतलब धमकी देते हैं कि इन्हें खाली करो, ये कर लो वो कर लो, ऐसे जो इसलिए। कौन लेखपाल है, क्या नाम है? लेखपाल हैं ज्योत्सना मौर्य जी, डालचंद जी। तो काम को नहीं करने नहीं देते। एक बार ऐसी पहले हुआ हमारे साथ मतलब कोई 15-20 साल पहले, जब हम यहाँ आए किसी ने मतलब ऐसी उछाल दिया, गाँव यहाँ आए तहसीलदार साहब ने कहा, तहसीलदार साहब ने कही क्या बात है, हमेशा ये समस्या है, कौन है वो आदमी, किसके मकान बने होंगे ऐसी देखने होंगे, अच्छा और तो नहीं है किसी के, मेरे को और नहीं है किसी के, जब तो बोलो क्या है, बोला आदमी को बोला हमने यहाँ देखो रहे वो आदमी का, जो उन्होंने कहा तो कब से रह रहे हो उनके, काफ़ी दिनों से जाओ आप रहो उसी में, आप आज से 10-15 साल पहले की बात। अभी क्या अधिकारियों ने क्या कहा अभी आपको? अधिकारियों ने कहा था हम उसकी जाँच पा रहे हैं और जाँच मिला लें कि क्या क्या पोजीशन है, मकान बन रहे हैं ना बन रहे हैं, कैसे रह रहे हैं जी। ठीक है, धन्यवाद। क्या मामला है? ग्राम जुगसना से कुछ व्यक्ति सुबह मेरे पास आए थे और उनका ये कहना था कि उनकी कुछ पट्टे की भूमि है जी, जिस पर वो काफ़ी सालों से काबिज है, वो मकान रहकर बनाकर रह रहे हैं जी, लेकिन हमारे लेखपाल द्वारा उनको डरा के धमका कर यह कहकर कि ये पट्टे की जमीन नहीं है आप खाली करो, इस तरह की बातें बताकर जो है उनको थोड़ा सा धमकाया जा रहा है जी। तो अभी फिलहाल हम प्रकरण की जाँच नहीं करा पाए, मैंने इस प्रकरण की जाँच के लिए तहसीलदार महावन को सौंप दिया है जी, तहसीलदार महावन से जैसे ही हमको आख्या प्राप्त होगी उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। कहाँ से आई हैं आप?